अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। सदा खुश रहें, शाद रहें और आबाद रहें। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलों को आसान बनाए। और आज मैं बनाने जा रही हूँ रोस्ट रांद पुलाव बनाने जा रही हूँ। जो इनके लिए इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आधा कप मैंने दही ले लिया, एक बड़ा चम्मच मैं कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ, एक चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ले लिया, एक बड़ा चम्मच मैंने दड़ा मिर्च ले लिया, एक बड़ा चम्मच मैंने धनिया पाउडर ले लिया, एक बड़ा चम्मच गरम मसाला ले लिया और आधा चम्मच मैंने ना दरदरा जीरा ले लिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक बड़ा चम्मच मैं भर के ना लहसुन अदरक का पेस्ट ले रही हूँ। और ये मैंने इमली का पल्प बना के रखा था, ये 3 से 4 स्पून लूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए 3 स्पून हो गए हैं, ये मैं चौथा भी डाल रही हूँ। ये मैंने ले लिया नींबू का जूस, 3 नींबू मैंने ले लिए थे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और अब हमने लेना है, ये मैंने ब्राउन कर लिए थे प्याज, अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हमने ऐसे कर लेने हैं, हाथ से मसल लेने हैं, मिक्स हो जाने हैं। ये देखें जी, अब मैंने इसे इधर रख लेना है। बिस्मिल्लाह। ये मैंने फूड कलर ले लिया है, ये देखें ये फूड कलर है, ये रेड कलर ले लिया, ये जर्दा कलर ले लिया। अब हम ये भी इसमें मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें जी मिक्स हो गया। और अब आ गई हमारी रांद की बारी। देखें जी ये मेरी रांद है, मेरे बकरे की रांद है, मटर रांद है ये। तो इसके मैंने ब्लैक पेपर और नमक के साथ इसकी मालिश की हुई थी। आपको पता है कि मैंने पहले भी आपको रांद बनानी बताई है, उसमें भी मैंने आपको कहा आप जब भी कोई भी रांद बनाएं, कोई भी बीफ बनाएं, मटन बनाएं, आपने रांद को नमक और ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नींबू लेके ना उसे ऐसे करके मालिश कर लेनी है। ये देखें मैंने कट भी लगा लिए थे और मैंने इसे कल की ना मालिश करके रखा हुआ है। ये देखें ऐसे करके इसके अंदर ऐसे ऐसे करके लेके सारे ऐसे मालिश कर लेनी है इसको। एक दिन आपने पूरा रखना है इसे ऐसे ही मालिश करके। और अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है। ये देखें, ये देखें इतना सा हमने 4 से 5 स्पून मैंने ऑयल डाल लिया है। ये देखें अब मैंने ये सारा मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्योंकि इसको मैंने नमक लगाया हुआ है, अब मैंने नमक नहीं लगाना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए अब मैंने इसे जैसे नमक को मालिश की थी ना, इसे मैंने इसे भी ऐसे ही कर लिया। ये देखिए आप जब भी किसी चीज को मैरिनेट करें उसे अच्छे तरीके से मैरिनेट करें कि उसके अंदर तक मसाला ना चला जाए। अब ये मैंने डाल दिया है, अब इसे मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। पहले मैंने इसकी ब्लैक पेपर और नमक के साथ जो मालिश की थी वो मैंने 4 से 5 घंटे रखा है। अब मैंने इसकी जो इसकी मैरिनेट कर दी है, अब मैं इसे रखूंगी, कल बना के दिखाऊंगी। इसे कम से कम भी 1 दिन रखूंगी, 1 दिन ये तो 7 से 8 घंटे तो मैं रखूंगी। कल ही इसे बनाऊंगी, कल मैं 2 से 3 बजे बनाऊंगी। तो आप अब देख ले, अब मैं 8 बजे हुए हैं रात के।
ये देखिए, अब मैंने ये प्लेट ले ली है, मैंने इसके नीचे इसे बिछा लेना है मसाले को। ये देखिए जी, ऐसे कर लिया। अब हमने इसे ऐसे रख लेना है। ये देखिए जी, अब मैंने इसे ऐसे, स्पून बहुत अच्छी होते हैं ये देखें, हाथों से बिल्कुल साफ नहीं करना पड़ता, हाथों से भी ज्यादा अच्छा इस स्पून से साफ हो जाता है। ये देखें जी, अब इसके अंदर ये देखें जा रहा है ना इसके अंदर, ये देखें मेरी फिंगर जा रही है अंदर। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। अब हम मिलते हैं कल। ये देखें जी, जो हमने कल इसकी मैरिनेशन करके रखी थी, देख कितनी अच्छी हो गई। मैंने इसके ऊपर ब्लैक पेपर और दरदरा जीरा था ना, वो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया था। ये देखें, तो अब हम इसके लिए पानी रखेंगे गर्म, क्योंकि हम इसका पुलाव भी बनाना है ना। ये रोस्ट रांध पुलाव बना रही हूँ ना मैं, तो फिर हम इसका पुलाव बनाना, जो इसकी यखनी नीचे की नीचे से निकलेगी उसका हम पुलाव बनाएंगे। और अब मैंने ये पानी रख लिया है। अब इसमें ये मैंने साबुत गर्म मसाला सारे मिक्स करके डाल देने हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक कड़ी पत्ता डाल दिया। तो अब हमने अपनी दाल को लेना, ये देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब हमने दाल को ऐसे रख लिया। ये देखिए, मैंने सारे ना फोल पेपर लगा लिए ऐसे करके। फोल पेपर इसलिए लगाया जो इसके ऊपर पसीना वगैरह आए ना, तो वो इसके ऊपर गिर गया सारा मसाला ना नीचे गिरे, बस इसकी यखनी जाए। अब मैंने इसे ऐसे कर लेना, आपको पता है ये हड्डी है जो थोड़ी सी नरम होती है, तो मैं अंदर कर लूंगी। तो हम इसे कम से कम भी ना, मैंने इसे 2 घंटों के बाद देख रहा, फिर मैं 2 घंटे के बाद आपसे। ये देखिए जी, हमारे 2 घंटे हो गए हैं। अब मैं फोल पेपर उतारती हूँ, देखते हैं अब मैं इसे चेक करूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान, ये देखें अंदर चला गया पूरा स्पून, इधर देखिए ये गल गई है। अब हम इसे रोस्ट करेंगे, और रोस्ट के लिए मैंने ये देखें, अब हम इसे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाह, हम ऑयल डाल देंगे अब इसमें फ्राई पैन में। और ये जो हमारा मसाला बचा हुआ था ना, हमने इसमें से हाफ लेके ना इसमें डाल लेना है। आपने इसे वेस्ट नहीं करना, बाकी किसी बोतल में डाल के रख लेना है, बाद में आप चिकन के लेग पीस को भी लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं आप। हमने इसे ऐसे करके इसे पूरा इधर बिछा देना मसाले को। ये देखिए, अब मैंने इसे ऐसे रख देना है। फ्लेम हमने इसकी लो रखनी है, ज्यादा हाई नहीं करनी, क्योंकि हमने रोस्ट करना है, इसके ऊपर कलर लेके आना है। ये देखिए जी, ये जो मसाला है ना मेरा, ये मैं भून रही हूँ ना, आपने इसके ऊपर लगाते जाना है ऐसे करके। ये देखिए, एक तरफ से हो गई है थोड़ी सी रोस्ट, अब मैं दूसरी तरफ से कर रही हूँ, और बाद में हम बनाएंगे इसका पुलाव। ये देखिए माशाल्लाह, कितने अच्छे तरीके से गल गए, ये आपको पता ही है, नजर आपको आ रही है। ये देखें, ये देखें, और बहुत मजेदार बनी है। और सारे घर में इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, जब बच्चे आते हैं तो कहते हैं वाह 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 मम्मा क्या बना रही हैं आप। तो मैंने कहा आज मैं रोस्ट कर रही हूँ रात को, और साथ पुलाव बना रही हूँ, किशमिश वाला पुलाव बनाएंगे। बीच में किशमिश डालेंगे, बादाम डालेंगे, और उसमें डालेंगे काजू। कलर आ गया, बस अब मैं इसमें बंद कर दूंगी। अब हम बनाएंगे अपने चावल। देखें जी, मैंने आपसे दूसरे चूल्हे पे कर दिया। देखिए, जब हम पतीली में डालेंगे ऑयल अपने जरूरत के मुताबिक। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मैंने 4 से 5 स्पून डाले हैं बड़े,
अब इसमें डालूंगी मैं प्याज, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने इसे ब्राउन कर लिया है, मगरब की अजानें भी हो रही हैं, आपको ये चावल बता के तो फिर मैं नमाज पढ़ती हूँ। प्याज को हमने ज्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ब्राउन करना है, और साथ डाल देना हमें दरदरा जीरा इसमें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें जी हमारा दरदरा जीरा चला गया, और अब हमने इसके साथ डाल देने हैं टमाटर। टमाटर मैंने एक बड़ी ले ली और छिलका उतार के बारीक बारीक काट लिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मिनट तक मैंने ढक्कन देना है कि जो इसके प्याज है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, तो टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए, तो फिर हम इसमें जो इसकी यखनी थी वो डालें। अब मैंने ना अपने चम्मच की मदद से इसे ना मसल देना है, बड़ा मजेदार सा पुलाव हमारा तैयार हो रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, मेरे ये वाले स्टील के ग्लास दो थे, तो अब इसमें मैं तीन ग्लास पानी डाल दूंगी। के बाकी मैं पानी ऐसे ही डाल रही हूँ, तो मुझे पता है ये डेढ़ ग्लास है। थोड़ी सी मैं आंच तेज करूंगी और इसका पानी तो थोड़ा ड्राई करूंगी, तो फिर इसमें मैं चावल डालूंगी। आपको पता है कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला होगा, अब हम इसको इसमें ना टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए कितनी ज्यादा ये रिझ रहा है, पानी सारा उबल गया, अब मेरे चावलों के मुताबिक हो गया। अब मैं इसमें चावल डाल दूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने ये चावल डाल दिए, देखो मिनटों में तैयार होने वाला पुलाव मैंने तैयार करके दिया है। वही जो रात को टाइम लगता है वही लगता है, चावल हम 10 मिनट में बना लेते हैं और इतने मज़ेदार बनेंगे कि आप ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसा बना है। मैं इसके ऊपर ढक्कन दूंगी। ये देखें जी हमारे चावल रेडी हो रहे हैं, हम थोड़ी देर तक इसे दम देंगे और आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखें जी हमारे चावल अब दम पे आ गए। अब मैं इसमें बिस्मिल्लाह रहमान किशमिश डाल दूंगी। ये देखें इसमें बादाम डाल दिए और पिस्ता डाल दिया, ये सारा ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसको 5-7 मिनट तक दम पे रखूंगी, 5 मिनट के लिए बस मैं दम पे रखूंगी इसे, और डिश आउट करके अब आपसे मिलती हूँ। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दम से उतार ली है और कितने मजेदार बने हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने डिश आउट किए हैं। देखें जी मेरा राम रोस्ट पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया है, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मजेदार बना है। और देखिए मैंने आपके लिए मेहनत की है, प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। और जब आप मुझे सब्सक्राइब मेरी वीडियो करते हैं तो मुझे खुशी होती है कि अगर मैं इनके लिए दिलो जान से मेहनत कर रही हूँ तो ये भी मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।